हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संचना गुप्ता और आप देख रहे हैं द संचना स्पीक्स। आज के इस वीडियो में हम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इस पोयम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये पोयम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत ही फेमस पोएट है इंडिया के। ये ऐसे पहले पोएट है इंडिया के जिन्हें नोबेल प्राइज का अवार्ड मिला था। इन्होंने काफी सारी पोयम्स लिखी हैं जिन्हें एक बुक में मर्ज किया गया है, जिस बुक का नाम है गीतांजलि। गीतांजलि में 35th नंबर की पोयम ही है हमारी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये पोयम भी बहुत ही फेमस है और ये पोयम ओरिजिनली तो बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, पर फिर बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया। ये पोयम को नोबेल प्राइज का अवार्ड मिला था। ये पोयम लिखा गया था ब्रिटिश एम्पायर यानी कि ब्रिटिश रूल के टाइम, जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे, जब हम ब्रिटिश के स्लेवरी में थे। इस पोयम में रविंद्रनाथ टैगोर जी गॉड से ये प्रे कर रहे हैं कि उनके सिटीजन्स को हर टाइप की फ्रीडम मिले, जैसे कि सोशल फ्रीडम, एजुकेशनल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम यानी कि सोशल फ्रीडम यानी कि जैसे एक दूसरे से मिलने जुलने की फ्रीडम हो, उन्हें एजुकेशन की फ्रीडम मिले और पैसे कमाने की, तरक्की करने की, सब चीजों की फ्रीडम मिले। एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए हम शुरू करते हैं इस पोयम का एक्सप्लेनेशन, जो कि स्टार्ट होता है फर्स्ट लाइन से, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी ये गॉड से प्रे कर रहे हैं कि मैं एक ऐसे देश का स्वप्न देख रहा हूँ जहां पर हर एक देशवासी फियरलेस हो, यानी कि निर्भय हो, निडर हो, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को खुल के एक्सप्रेस कर सके और हर एक देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा। क्योंकि ब्रिटिश टाइम पे क्या था, जब हम गुलाम थे ब्रिटिश के, हमें किसी भी काम को करने के लिए उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है, हम उनसे डरते थे, ठीक है, हमारा सिर उनके सामने हमेशा झुका रहता था। फिर रविंद्रनाथ जी लिखते हैं वेदर नॉलेज इज फ्री, मतलब जहाँ नॉलेज सभी का अधिकार हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊंची जाति वाले लोग ही एजुकेशन के अधिकारी है, ऐसा नहीं। हर कोई, हर एक देशवासी एजुकेशन ले सके, नॉलेज ले सके और अपनी तरक्की में, अपने देश की तरक्की में फुली कंट्रीब्यूट कर सके। फिर वो लिखते हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी कि जहां पर इंडिया के टुकड़े टुकड़े ना हुए हो। जैसे पहले के टाइम पे क्या हुआ था कि हमारी इंडिया थी, ठीक है, हमारी जो इंडिया थी उसे ब्रिटिशर्स ने जाति, धर्म, भाषा, कलर, इन सब के बेसिस पे डिवाइड कर दिया था, लोगों में फाइट पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से यूनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से लोग एकमत होकर रहना नहीं चाहते थे, एक दूसरे से झगड़ा करते थे, ठीक है। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स यानी कि वही डिस्क्रिमिनेशन करना, कंपेरिजन करना, जाति, धर्म, भाषा, कलर, ठीक है, मजहब, ये सब के रिलेटेड। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि मैं एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहा हूँ जहां पर मेरे देश के टुकड़े टुकड़े ना, ठीक है, जहां पर हर कोई एकजुट रहे, हर कोई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट, यानी कि जहां पर लोगों के दिल में से सच्ची बातें निकले, ऐसा नहीं कि मुंह पर कुछ और ही बोल रहे हैं और दिल में कुछ और ही रख रहे हैं, ठीक है, जहां पर हर कोई सच बोले और झूठा दिखावा ना करे, ठीक है, झूठी बातें ना बोले, छल ना करे किसी के साथ, ओके। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, यानी कि हर एक इंसान कड़ी मेहनत करके देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। टायरलेस स्ट्राइविंग मतलब बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना और परफेक्शन यानी कि तरक्की की ओर ले जाना, ओके। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रियरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट्स। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बिकॉज क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन इसका मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, और डेड हैबिट्स यहाँ पे इसका मतलब है सुपरस्टिशंस। रविंद्रनाथ जी ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक देशवासी जरा लॉजिकली हर एक चीजों के बारे में सोचे। पहले के जमाने में क्या होता था, इनफैक्ट अभी भी, क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस रहते हैं, मतलब जैसे काली बिल्ली ने अगर रास्ता काट दिया तो कुछ ना कुछ अशुभ होगा, ओके, या फिर अगर मेरा काम बिगड़ गया तो शायद मेरी किस्मत में लिखा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि हर कोई लॉजिकली काम करना चाहिए, हर की कोई लॉजिकली थिंक करना चाहिए और उसके ऊपर इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा ही होता होगा, ये बहुत पुरानी बात है, ऐसा वैसा नहीं। देयर शुड बी अ लॉजिकल थिंकिंग, ओके। सो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग इनटू ड्रियरी डेजर्ट सैंड, मतलब रेगिस्तान, जो किससे बना है, सुपरस्टिशंस की वजह से बन गया है, ओके? तो ऐसा नहीं करना है, हमें लॉजिकल थिंकिंग की तरफ कदम बढ़ाना है, ओके? वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, दी मतलब यू, ये ओल्ड इंग्लिश है जहां हम दी को यू कहते थे, ओके? मतलब जहां पर यू को हम दी कहते थे, आई एम सो सॉरी, इनटू एवर ब्राइटनिंग थॉट एंड एक्शन।
इसका मतलब है हर कोई पर्सन इंडिया का ऐसे सोचे, ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी सोचे ताकि इंडिया की डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। हर कोई बड़े विचार रखे, ठीक है, छोटी सोच ना रखे, और कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी सोचे ताकि देश बहुत ज्यादा तरक्की कर सके, प्रोग्रेस कर सके। और आखिर में रविंद्रनाथ जी लिखते हैं कि इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। इसका मतलब है कि वो ये प्रे कर रहे हैं गॉड से कि प्लीज गॉड, आप मेरे कंट्री को, आप मेरे देशवासियों को जगाइए ताकि वो ऐसी फ्रीडम की कल्पना करे, ऐसी फ्रीडम की आस रखे, ओके, और मेरा देश तरक्की करे, मेरा देश आगे बढ़े, और मेरा देश फ्री हो जाए इन ब्रिटिशर्स के रूल से। कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताइए आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। टिल देन, बाय बाय।